हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं जेपीजी फाइल को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और वहां लिखेंगे जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर। ये मैंने लिख दिया है जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर और सर्च किया। सर्च बटन दबाते ही जो पहला लिंक दिखाई देगा, ऊपर वाला जो लिंक है आई लव पीडीएफ, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। ये वो वेबसाइट है, वो ओपन हो चुका है। सिलेक्ट जेपीजी इमेजेस, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपके गैलरी पर चला जाएगा वो, जिस गैलरी पर जिस जेपीजी इमेज को आपको सिलेक्ट करना है। मैंने 3 इमेज सेट करूंगा। मैंने यहाँ 3 इमेज सिलेक्ट करके डन पर क्लिक किया और ये नीचे है, लिंक हो रहा है कन्वर्ट टू पीडीएफ, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। कन्वर्ट टू पीडीएफ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद प्रोसेस लेगा कुछ टाइम बाद और ये अपने आप डाउनलोड होके ऊपर नोटिफिकेशन बार पर डाउनलोड हो जाएगा। और ये हालांकि क्रोम ब्राउज़र पर डाउनलोड हुआ है, तो हम इसे कॉपी करके अपने जो भी फाइल मैनेजर है फोल्डर, जिस फोल्डर में आप रखना चाहते हैं, वहाँ कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा। मैं अभी डाउनलोड पर जाके ऊपर वाला जो है फाइल, उसे 3 डॉट पर क्लिक करके शेयर पे जाऊंगा। थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है ऊपर वाले जो फाइल है, और शेयर पर क्लिक करके कॉपी टू फाइल, जिस फोल्डर में आपको रखना है उस फोल्डर को सिलेक्ट करके आपको पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा तो ये जो पीडीएफ फाइल है वो यहाँ सेव हो चुका है। तो दोस्तों, मैंने ये ओपन कर लिया है, वो पीडीएफ फाइल कैसा दिखता है ये ओपन भी कर लिया है मैंने। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।